दिसंबर महीने की शुरुआत में नागालैंड में दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें आम नागरिकों की जान गई। इस घटना का मुख्य कारण था नागालैंड में लगा अफसपा। घटना के बाद से पूरा विपक्ष, यहां तक कि खुद नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने सरकार से अफसपा हटाने की मांग की, लेकिन अफसपा हटाने के बजाय अब सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ना तय है। क्या है सरकार का वो कदम, देखेंगे इस रिपोर्ट में। 4 दिसंबर को कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूर एक गाड़ी में तिरु से अपने गांव ओटिंग लौट रहे थे। तिरु और ओटिंग गांव के बीच में लांग खाओ पहुंचने पर सुरक्षा बलों ने बिना किसी उकसावे के गाड़ी पर गोलियां चला दी, जिससे ओटिंग गांव के कई लोगों की जान चली गई थी और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद नागालैंड पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की थी, जिसके बाद से ये मांग उठने लगी थी कि अफसपा को हटा दिया जाए। यहाँ तक कि संसद के शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष ने इसे हटाने की मांग की थी, लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक नागालैंड में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 यानी अफसपा अभी लागू रहेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया कि नागालैंड में ये कानून अभी अगले 6 महीनों तक के लिए आगे भी लागू रहेगा। इस कानून में सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियाँ हासिल है। अब इस कानून को 6 महीने का विस्तार दिए जाने की वजह से राज्य में एक बार फिर इसका विरोध शुरू हो सकता है, क्योंकि इस कानून के तहत सेना 5 या इससे ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोक सकती है। इसके तहत सेना को चेतावनी देकर गोली मारने का भी अधिकार है। ये कानून सेना को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता है। इसके तहत सेना किसी के घर में बिना वारंट के घुसकर तलाशी ले सकती है। गोली चलाने के लिए किसी के भी आदेश का इंतजार नहीं करना, और अगर उस गोली से किसी की जान चली जाती है तो सैनिक पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। इस कानून के चलते ही कितने मासूमों की जान चली गई। ऐसे में सरकार का ये कदम उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। DV Live की रिपोर्ट।